हे गाइस, वेलकम टू द कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, ये वीडियो अगर आपको ठीक तरह से समझनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में छोड़ के फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, मैं पूरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होगी, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिदम के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बाउंड्री फिल एल्गोरिदम के ऊपर इंग्लिश में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं इंग्लिश में वीडियो हिंदी में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इन बाउंड्री फिल एल्गोरिदम द बेसिक कॉन्सेप्ट इज फिल इन द कलर इन क्लोज्ड एरिया बाय स्टार्टिंग एट अ पॉइंट इन साइड अ रीजन एंड पेंट द इंटीरियर आउटवर्ड टूवर्ड्स द बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि हम हमारे बाउंड्री के एक एरिया के अंदर के एक पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम इनवर्ड टू आउटवर्ड पेंट भरना शुरू करते हैं। मतलब हमारी बाउंड्री का कलर तक हम पहुँचने तक हमारा कलर हम फिल करते जाते हैं इंटीरियर रीजन को। इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम के लिए कि आपकी बाउंड्री का एक ही कलर होना चाहिए, मतलब अलग अलग कलर की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में? क्या होता है कि आप एक इनर पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और आप उसमें कलर भरते जाते हैं जब तक कि आपको बाउंड्री का एक पिक्सल या फिर बाउंड्री एनकाउंटर नहीं होती है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप डिफ़ॉल्ट कलर क्या है वो चेक करते हैं। आप इंटीरियर पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट का अगर कलर इंटीरियर है, इंटीरियर कलर का अगर डिफ़ॉल्ट कलर है यानी कि बाउंड्री कलर नहीं है, ठीक है, अगर वो इंटीरियर पिक्सल बाउंड्री कलर का नहीं है तो आप उसमें आपका नया फिल कलर जो आपको उसके अंदर फिल करना है वो आप उसमें फिल कर देते हैं और अगले पिक्सल की तरफ मुड़ जाते हैं। उसी तरह से हम कंटिन्यूस भरते जाते हैं जब तक आपको बाउंड्री का पिक्सल एनकाउंटर नहीं होता है, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे काम करता है। तो इसके मेथड क्या है इम्प्लीमेंटेशन के? दो मेथड है दोस्तों, 4 कनेक्टेड पिक्सल और 8 कनेक्टेड पिक्सल। ये दोनों मेथड कैसे काम करती है? तो 4 कनेक्टेड पिक्सल में क्या होता है कि आप चेक करते हैं 4 पिक्सल। कहाँ के 4 पिक्सल? जो आपके मेन पिक्सल जहाँ से आपने शुरुआत की है उसके एडजस्टेंट वाले, मतलब ये 4 पोजिशन में होने चाहिए। जैसे कि आपने अगर से 1 पिक्सल से शुरुआत की यहाँ से, ठीक है, अगर आप ये पिक्सल शुरुआत करते हैं तो आप क्या टेस्ट करते हैं, आप इसका कलर चेक करते हैं सबसे पहले, बाद में उसके जो टॉप में है उस पिक्सल का कलर चेक करते हैं, बाद में उसके जो राइट में है, लेफ्ट में है और लेफ्ट में और बॉटम में है, तो ये 4 पिक्सल को आप टेस्ट करते हैं। इसे करते कहते हैं 4 कनेक्टेड पिक्सल, ठीक है। तो आप उन 4 कनेक्टेड पिक्सल को यही सेम कंडीशन चेक करते हैं कि वो बाउंड्री कलर के है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसमें फिल कलर ऐड कर देते हैं। तो ये स्टेप्स है हमारे 4 कलर मेथड में। फर्स्ट इनिशियलाइज द 4 वैल्यूज। 4 वैल्यू हम लोगों को इनिशियलाइज करनी होती है, एक्स, वाई, फिल कलर एंड डिफॉल्ट कलर, ठीक है। इसमें से एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट पोजीशन है आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन के इनिशियल इंटीरियर पिक्सल की, ठीक है, और फिल कलर क्या है जो नया कलर आपको इसके अंदर फिल करना है, वो नए हमारे इंटीरियर पोजीशन में फिल करना है, और डिफॉल्ट कलर क्या है, डिफॉल्ट कलर वो है कि जो इंटीरियर पिक्सल से उसका जो डिफॉल्ट कलर है वो है डिफॉल्ट कलर, और बाउंड्री पिक्सल या फिर बाउंड्री कलर वो है जो आपके बाउंड्री के पिक्सल का जो कलर है उसे बाउंड्री कलर कहते हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, डिफाइन द वैल्यू ऑफ द बाउंड्री पिक्सल कलर और बाउंड्री कलर। तो आप हमें इसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी है कि बाउंड्री कलर कौन सा है। स्टेप 3 है, नाउ चेक इफ द करंट पिक्सल इज डिफॉल्ट कलर एंड इफ येस देन रिपीट स्टेप 4 एंड 5 टिल द बाउंड्री पिक्सल्स आर रीच्ड। तो अभी हमें चेक करना है कि जो हमारा जो करंट पिक्सल है उसका कलर बाउंड्री कलर है कि नहीं, अगर बाउंड्री कलर नहीं डिफॉल्ट कलर है कि नहीं। अगर डिफॉल्ट कलर है तो हम स्टेप 4 एंड 5 रिपीट करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, चेंज द डिफॉल्ट कलर विद द फिल कलर एट द करंट पिक्सल। तो हम जो हमारे पिक्सल का करंट कलर है डिफॉल्ट कलर उसे चेंज करके फिल कलर कर देते हैं, और स्टेप 3 एंड 4 फॉर द नेबरिंग 4 पिक्सल। तो हम क्या करते हैं कि यही सेम स्टेप हम परफॉर्म करते हैं हमारे जो 4 नेबरिंग पॉइंट्स है ना, कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, तो ये 4 पिक्सल के लिए सेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि अगर उसका कलर बाउंड्री कलर नहीं है तो उसके अंदर हम हमारा फिल कलर भर देते हैं। स्टेप 6 है एग्जिट। तो ये हो गई हमारे 4 कनेक्टेड मेथड की स्टेप्स। तो उसका कोड क्या है, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा स्टेप 1 हम 4 वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट एक्स, इंट वाई, इंट फिल, इंट बाउंड्री, इंट
डिफॉल्ट, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्या है, कोऑर्डिनेट पोजीशन है हमारे, करंट पिक्सल वो इंटीरियर पिक्सल है उसका, इंट फिल मतलब फिल कलर जो हमें फिल करना है, इंट बाउंड्री मतलब बाउंड्री कलर जो हमें चेक करना है, और इंट डिफॉल्ट मतलब जो हमारा इंटीरियर पिक्सल है उसका बाय डिफॉल्ट क्या कलर है वो, तो ये वैल्यूज हमें इनिशियलाइज करनी है। स्टेप टू में हम बाउंड्री कलर इनिशियलाइज कर लेते हैं। अभी इंट करंट मतलब अभी करंट वैल्यू का पोजिशन लेते हैं हम लोग, करंट पिक्सल का एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर इफ़ करंट दिस थिंग पिक्सल इज नॉट बाउंड्री, सॉरी गेट पिक्सल एक्स वाई का मतलब है कि आप करंट पिक्सल का कलर फाइंड आउट करते हैं क्या है। अगर वो बाउंड्री नहीं, बाउंड्री कलर का नहीं है आपका करंट पिक्सल और वो डिफॉल्ट कलर का है, अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती है तो आप क्या करते हैं इफ़ के लूप के अंदर चले जाते, तो आप करते हैं सेट पिक्सल एक्स कॉमा वाई कॉमा फिल। इसका मतलब ये है कि आपका जो पिक्सल है एक्स कॉमा वाई पोजिशन में वहाँ पे आप फिल कलर भर देते हैं। वैसे ही आप नेबरिंग चार पिक्सल्स को भी वैसे ही करते हैं, एक्स प्लस वन कॉमा वाई, इसका मतलब है कि जो पिक्सल है वो आपके राइट साइड में है आपके करंट पिक्सल के, उसमें भी आप फिल कलर भर देते हैं। सिमिलरली एक्स माइनस वन मतलब लेफ्ट वाले में, एक्स कॉमा वाई प्लस वन मतलब टॉप वाले में, और एक्स कॉमा वाई माइनस वन मतलब जो बॉटम में है, ठीक है, बॉटम एडजस्टेंट पिक्सल, उसमें भी आप फिल कलर भर देते हैं। तो ये हो गया कोड फोर कनेक्टेड मेथड के लिए, ठीक है। तो ये फोर कनेक्टेड मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है, इस मेथड में ये प्रॉब्लम है कि ये ठीक तरह से हर जगह पे पिक्सल फिल नहीं कर पाता है। क्यों, आप देखिए, लेट्स से ये हमारा है बाउंड्री रेड कलर का, डिफॉल्ट कलर है वाइट, और हमें फिल कलर भरना है ग्रीन। तो क्या होगा, हम इंटीरियर पॉइंट यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे फिल कर देते हैं, यहाँ पे वैसे ही टेस्ट करते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, अभी आपने यहाँ पे तो फिल कर दिया, तो बचे हुए इन पिक्सल्स का क्या, क्या पूरी तरह से हमारा पॉलीगॉन फिल हो गया है, नहीं। तो ये पिक्सल्स जो बच जाते हैं ना, इसी वजह से फोर कनेक्टेड मेथड में हम कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है एट कनेक्टेड पिक्सल। To solve the problem that can occur in four connected pixel method, a new method was introduced called eight connected pixel. तो ये नई मेथड इंट्रोड्यूस की गई। इन एट कनेक्टेड पिक्सल क्या होता है कि आप ना ही ये सिर्फ चार एडजस्टमेंट पिक्सल जो टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट में है वो ही नहीं भरते, वो तो भरते ही आप, लेकिन और चार एक्स्ट्रा पोजिशन में भी भरते हैं। कौन सी वाली, जो डायगनल पोजिशन रहती है, जैसे कि एक्स प्लस वन कमा वाई प्लस वन, ठीक है, तो वो भी भर देते हैं। यानी कि आप ये जो डायगनल पोजिशन है, ये 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 चारों पोजीशंस आप ठीक तरह से फिल कर देते, तो टोटल आप आठ कनेक्टेड पिक्सल्स को फिल करते हैं, इसलिए इसे एट कनेक्टेड पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, कोड तो जैसे हमने फोर कनेक्टेड का देखा वैसा ही है सेम, लेकिन इसमें हम और चार एक्स्ट्रा पिक्सल्स को फिलिंग का मतलब जो डायगोनल पिक्सल्स है वहाँ पे भी हम फिल करते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस वन, मतलब ये कहाँ पे आ जाता है, टॉप राइट में आ जाता है, ठीक है। एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस वन, ये कहाँ पे आ जाता है, टॉप लेफ्ट में आ जाता है, एक्स माइनस वन कॉमा वाई प्लस वन। तो इसी तरह से हम टॉप टॉप राइट टॉप बॉटम बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, तो हर पोजीशन में हम फिल कर देते हैं ऑल एट कनेक्टेड पिक्सल्स, ठीक है। तो एट कनेक्टेड पिक्सल कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम एक सेकेंड सबसे पहले हम जो हमारे इनिशियल पिक्सल है वहाँ पे फिल करते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, अभी हम डायगोनल पोजीशंस में भी फिल कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑल एट कनेक्टेड पिक्सल फिल हो जाता है और हमारा पॉलीगॉन अच्छी तरह से कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो ये है एट कनेक्टेड पिक्सल फिलिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करूँगा। आपको अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।